खबर राजनीति की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जिनके मन में चोर होता है उन्हीं को देश में डर लगता है, राष्ट्रभक्तों को कभी देश में डर नहीं लगता। उन्होंने चाइनीज मांझा बेचने वालों को चेतावनी दी और कहा ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर देश का विरोध करने वाले रहे। मिश्रा ने कहा, जिनके मन में चोर होता है उन्हीं को देश में डर लगता है, राष्ट्रभक्तों को कभी देश में डर नहीं लगता। जिनके मन में चोर होता है ना, उन्हीं को भारत में डर लगता है। 125 करोड़ का देश है, किसी देशभक्त को भारत में डर नहीं लगता। सिलेक्टिव इशू पर यही बयान देते हैं, फिर यही पत्नी से बुलवाते हैं। ये दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है जो भारत को बदनाम करने की एक लंबे समय से कोशिश कर रही है। लेकिन देशवासी अब इन सबको समझ गए हैं और इसीलिए इनके बायकॉट हो रहे हैं। मिश्रा ने कहा, बिहार में बेरोजगारों पर किया गया लाठीचार्ज बताता है कि रोजगार देने का वादा करने वालों के द्वारा किस प्रकार का रोजगार गरीब बेरोजगारों को दिया जा रहा है। ये नीतीश कुमार का रोजगार है। पहले तेजस्वी जी ने बड़े रोजगार के दावे किए, फिर नीतीश कुमार जी, फिर पुलिस ने कैसे कैसे कहां कहां बिहार में रोजगार दिया है नौजवानों को। आप देखो कल का लाठीचार्ज कहां कहां पे हुआ है। ये सब लोग जितने भी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर सरकार में आना चाहते हैं और सरकार में आते ही अपने सारे वादे भूल जाते हैं। कमोवेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जो किया था वही नीतीश कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाइनीज मांझा बेचने की सोचे भी नहीं, रासुका में कार्रवाई हो सकती है, इसलिए खबरदार रहें। कल हमने कार्रवाई, परसों आपने कार्रवाई देखी होगी उज्जैन के अंदर, कि चाइनीज वाले जो वाले थे उनको जो जमींदोज किया गया है। और ये कार्रवाई का एक ही पार्ट था। ये सच्चे संक्रांत आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो जो चाइनीज मांझा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। और इसलिए बरखुरदार खबरदार ये चाइनीज मांझे वाले जितने भी हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।